हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु पंचायत स्तर में आसी एक बहुत बड़ निजुक्ति। जदि आपणकर योग्यता मैट्रिक प्लस टू कि प्लस थ्री पास थी कि एइथ पास थी तेब ये आप्लाय करें। ए भिन्न भिन्न प्रकार पोस्ट हो देखिपे ए मागणा आवेदन आपण को ए कौन प्रकार आप्लिकेसन फी पे कर आवश्यक ना, संपूर्ण रूपे फ्री रे यही पोस्ट आप्लाय करें। एपाई कौन प्रकार परीक्षा भी ना, केवल आपणकर स्कोर व मार्क अनुसार ही आपन को ए सिलेक्शन करा जिवो। जदि आपण माने सिलेक्शन पाउछंती तो आपण माने हाईस्ट 25,000 पर्यंत दरमा पाई परिबे, जहाँ कि एक बहुत भल दरमा रहिबो। फ्रेंड्स सबुठारो बड़ कथा या जे जदि आपण माने सिलेक्शन पाउछंती तो निज जिला अंडर पंचायत रे ही वैकेंसी बा पोस्टिंग पाई परिबे। फ्रेंड्स एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिवे, अप्लाई करिवार फुल प्रोसेस म आपण को वीडियो शेष रे कहिबी। जदि आपण माने अप्लाई करिवा पई इंटरेस्ट रखुछंती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलतु प्रथम आलोचना करने जे कौन रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एई नुआ नुआ सरकारी जॉब रो न्यूज़ पाइबा चाहूँगी तेबे आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं भिडियोटी को भी गोटे लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे केउ माने अप्लाई करि परिबे। एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला माने अप्लाई करि परिबे। आम ओडिसा रो सबु जिल्ला रो पिला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रही, उभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी पोस्ट आप्लाय करें। जदि आम सैलरी कथा कह तो आपन के स्टार्टिंग 10,000 आरंभ कर 23,000 बा 25,000 भितर ही आपन के मंथली सैलरी मिल पार। देखो ये डिफरेंट टाइप पोस्ट होती आपंकर योग्यता अनुसार आप्लाय करेंगे, से अनुसार आपंकर सैलरी पैकेज भी रही। जॉब टाइप जहाँकि स्टेट गवर्नमेंट जॉब रही, जॉब रही भितर ही पोस्टिंग रहीपर पंचायत ही पोस्टिंग रही। पोस्ट नेम ये डिफरेंट टाइप पोस्ट होती जहाँकि आपंकर सीसीआई डिपार्टमेंट तरफ वैकेंसी फिलअप हो। देखो ये क्यों प्रकार पोस्ट होती, ये प्रोबेशनर ऑफिसर पर पोस्ट होती, केस वर्कर पोस्ट वैकेंसी रही, काउंसलर पर पोस्ट होती, हेल्पर पर वैकेंसी रही, हाउसकीपर पर पोस्ट हो एवं कुक बा रसोईया पर भी पोस्ट होती। तो यही सब पोस्ट में वैकेंसी आसी आपंकर योग्यता अनुसार जेकोसी भी गोटे पोस्ट आप्लाय करें। यहाँ पर अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपंकर क्वालिफिकेशन 8 पास 10 पास कि ग्रेजुएशन पास थी तेरे ए आप्लाय करें। स्ट्रीम कौन रही प्लस थ्री रे ना आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स में भी किसी पोस्ट होती, साइंस एवं कॉमर्स में भी किसी वैकेंसी रही। आपंकर यही सब क्वालिफिकेशन योग्यता थी तेरे पोस्ट आप्लाय करें। या सहित ओडिया भाषार नॉलेज भी आवश्यक पड़ो, प्रॉपर नॉलेज थी आपने आप्लाय करें। जपरिक कही पारे, लिखि पारे कि पढ़ी पारे ओडिया भाषा को भल भाव में तेब ही पोस्ट आप्लाय करें। यहाँ पर अच्छे आप्लिकेसन फी। तो फ्रेंड्स देखंतु एपाई नो फी रही, आपन को ए कौन प्रकार आप्लिकेसन फी पे कर आवश्यक ना। जनरल ओबीसी एससी एसटी सबू कास्ट पिला माने ए फ्री आप्लाय करें, कारण समस्त फ्री रही। यहाँ पर अच्छी एज लिमिट पिला माने देखंतु एपाई मिनिमम एज लिमिट बा बयस सीमा रही 21 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष बयस रहिबो। यह होची जनरल मानक पई बा साधारण वर्गर पिला मानक पई एज। जदि आपणकर कैटेगरी ओबीसी कि एससीबीसी कैटेगरी कि एससी एसटी कि फिजिकल हैंडिकैप्ट होइथिबो तो आपन को एथिरे अतिरिक्त 3 वर्ष, ओबीसी मानक एससी एसटी मानक 5 वर्ष एवं पीडब्ल्यूडी पिला मानक एथिरे अतिरिक्त 10 वर्ष ए सुविधा मिल पारिबो। यहाँ पर देखंतु एथिरे केउ पोस्ट पई कोन सब सैलरी बा दरमा रहिबो। जदि आपन माने प्रोबेशन ऑफिसर पोस्ट अप्लाई करिवे तो एथि पई 23,170 टंका रहिबो स्टार्टिंग दरमा। केस वर्कर पर भी सेम रही, टाइपिंग मिस्टेक अच्छी मैनेज करेंगे 23,170 टंका स्टार्टिंग दरमा रही। काउंसिलर काउंसिलर आपंकर सेम रही 23,100 टंका, हेल्पर पर रही 9,930 टंका, हाउसकीपर पर भी सेम रही। देखो ये एकाउंटेंट भी गोटे पोस्ट होती, एकाउंटेंट बा आपंकर स्टोर कीपर एपी आपंकर 18,536 टंका मंथली सैलरी रहिबो। तो जानिपारे क्यों पोस्ट में कौन सब दरमा रहिबो से अनुसार आपने आप्लाय भी करें। यापर देखंतु एपाई कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रही। प्रथमतः आपंकर रिटर्न एग्जाम ए कौन प्रकार ना, मुझे पूर्व कही सारी नो एग्जाम रही, मार्क बेसीस रही। आपंकर मैट्रिक रो परसेंटेज अनुसार स्कोर रही, प्लस टू रो किसी परसेंटेज एड कर, प्लस थ्री ये आपंकर सबू योग्यतार परसेंटेज को आधार कर आपको सिलेक्शन कर। जो पोस्ट आप्लाय करेंगे से पोस्ट आरंभ कर तार तल पोस्ट देखूँ। जदि आपने प्लस थ्री पोस्ट में आप्लाय करें तो आपंकर मैट्रिक प्लस टू और प्लस थ्री यही तीन गोटी जो आपंकर क्वालिफिकेसन थी से स्कोर गुड़ को एड कर सिलेक्शन सिलेक्ट कर। देखो पीडीएफ रे विषय क्लीयरली मेंशन कर कि भाव में आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस रही देखो सिलेक्शन हैलापर मार्क बेसिस अनुसार सिलेक्शन होकर मैट्रिक रे केते परसेंटेज अच्छी प्लस टू केते परसेंटेज अच्छी ग्रेजुएशन केते परसेंटेज अच्छी से अनुसार सिलेक्शन करापर आपंकर इंटरव्यू रही सिलेक्शन हैलापर शेष आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो पिला माने यही सब प्रोसेस द्वारा ही आपने सिलेक्शन पाई परिबे। देखो कौन प्रकार तो फ्री ना मागणा आप्लाय रही कौन सी आपन के फी देवाक पड़ूना तो जब आपंकर योग्यता थी तो निश्चित रूपे आप्लाय करूँ। यहाँ पर अच्छे इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट देखो डॉक्यूमेंट रे किसी बेसी ए मेंशन ना केवल मेंशन अच्छे आपंकर क्वालिफिकेशन रो जेरॉक्स या सहित पासपोर्ट साइज एक फोटो रेसिडेंट सर्टिफिकेट जदि थी तो सबमिट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट रही एससी एसटी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी यही पाई आवश्यक पड़ो। यापर अच्छे आईडी प्रूफ देखो पे आईडी प्रूफ रे तीनोटी ऑप्शन अच्छी आधार कार्ड को देवे आधार कार्ड बेटर ऑप्शन रही। तो फ्रेंड्स जितेबाला अप्लाई करेंगे अप्लाई कला समय यही किसी डॉक्यूमेंट ही आवश्यक पड़ो। यापर अच्छे ऑफलाइन प्रोसेस देखो जो एप्लिकेशन मोड रही है ये ऑफलाइन रही ऑनलाइन भी रही निज मोबाइल भी अप्लाई करेंगे कि स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट माध्यम भी अप्लाई करेंगे। मुझे दुईटी प्रोसेस कहि देखो स्टार्टिंग डेट जहाँकि स्टार्ट हो जाए अलरेडी। तो पिला चलतु आउ डेरी नक आलोचना करवा जे आपने किपरी अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स एथि आपने किपरी अप्लाई करेंगे अप्लाई कर फुल प्रोसेस टी मुझे जनइबी एपाई आपने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि नियंतु। प्रथमे आपने निज मोबाइल थोड़ा गूगल को ओपन करेंगे ओपन कलापर एठार जो सर्च बॉक्स ऑप्शन अच्छे सिंपली आपने सर्च बॉक्स ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे। यापर सर्च करेंगे कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस लिखे जिओ भिटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन पे देखिपे मुझे कौन टाइप कले सिंपली आपने यही टाइप करेंगे। टाइप कलापर पाखर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स देखो सर्च ऑप्शन पर क्लिक कलापर आपंक सम्मुखें ओडिशा जिओ भिटी जॉब रईट देखा दिव। तो सिंपली आपने सैट्र लिंक उपर क्लिक करेंगे। तो सिंपली क्लिक करूँ पे देखूँ क्लिक कलापर आपंक भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब ऑप्शन गुड़िक शो हो आपने टी तलकू स्क्रॉल करेंगे। देखो ये मर्ज जॉब्स ऑप्शन अच्छी एटे जहाँ भी नुआ नुआ वैकेंसी आसी थाए तार लिस्ट देखा मिलो। आपको प्रथम ही ओडिशा ग्राम पंचायत रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन टी देखा मिलो। तो सिंपली आपने नोटिफिकेशन लिंक उपर क्लिक करूँ। देखो क्लिक कलापर आपंक ये पोस्टर सब इनफर्मेशन देखा मिलो जेपरिक नोटिफिकेशन टी क्यों आसी क्यों क्यों पोस्ट होती से विषय भी लिखाई लास्ट डेट कौन रही से विषय भी लिखाई भल पढ़ी पारे क्वालिफिकेशन कौन रही केते पोस्ट होती एज लिमिट कौन रही क्यों पोस्ट में केते दरमा रही से विषय भी लिखाई। मुझे आपको पूर्व कही सारी किसी डाउट थे चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस विषय भी मेंशन अच्छी देखो इंपोर्टेंट लिंक अच्छी पे सब विषय नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिल जाए। मुझे अप्लाई कला समय सब विषय कहीदेवी आपने भी निज मोबाइल डाउनलोड कर चेक भी करेंगे। तो देखो किपरि अप्लाई करेंगे इंपोर्टेंट लिंक अच्छी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी। तो सिंपली आपने नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक करूँ। फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक कलापर आपंक सम्मुखें यही किसी आसी आपको यही किसी शो हो आपने सिंपली तलकू तलकू स्क्रॉल करेंगे। देखूँ आपंक गोटे गोटे पोस्ट नेम देखा मिलो नेम ऑफ द पोस्ट यापर से पोस्ट पाखे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कौन आवश्यक पड़ी से विषय मेंशन अच्छी एज लिमिट कौन देखूँ सब पोस्ट में सेम रही दरमा केत नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट केत रही से विषय देखा मिलो। देखो काउंसिलर गोटे पोस्ट होती प्रोबेशन ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बा केस वर्कर कौन रही क्वालिफिकेशन से विषय भी लिखाई भल भाव में पढ़ी पारे एक्सपीरियंस नथिले भी अप्लाई करेंगे किंतु जो पाखे एक्सपीरियंस थी से ये प्रिफरेंस मिलो। स्टोर कीपर मेंशन अच्छी अकाउंटेंट कौन क्वालिफिकेशन रही दरमा कौन रही से विषय भी मेंशन अच्छी किसी भी एक्सपीरियंस नथिले स्टोर कीपर कि अकाउंटेंट अप्लाई करेंगे कारण एक्सपीरियंस आवश्यक ना देखिपे मेंशन अच्छी किसी भी ना जदि आपंकर क्वालिफिकेशन 8 कि 10th पास थी तो कुक रे अप्लाई करेंगे वाचमैन अप्लाई करेंगे। जदि आपंकर क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट थी कि आपंकर डिप्लोमा किसी करेंगे तो पारामेडिकल स्टाफ रे अप्लाई करेंगे। हाउस फादर पोस्ट भी अच्छी एथि भी अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन पास रही। तो चेक करेंगे क्यों पोस्ट में कौन क्वालिफिकेशन दरमा सैलरी से विषय मेंशन कर देखो किपरि अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट कौन आवश्यक पड़ो तार लिस्ट मेंशन अच्छी भल भाव में चेक भी करेंगे। यहाँ पर अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस देखो मैट्रिक रे केते मार्क आनी आपको वेटेज मिलिबो टोटाल 100 मार्क अच्छी तो से अनुसार आपको सिलेक्शन करा जिवो भल भाव में चेक करेंगे। एबे देखो किपरि अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स प्रथम आपने ये जो आप्लिकेसन फर्म अच्छे फर्म टी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट कालापर फर्म टी को फिलअप करेंगे। देखते किपर फिलअप करेंगे। प्रथम लिखे जे क्यों पोस्ट आप्लाय करने चाहते। यापर फोटो को आटाच करेंगे। यहाँ आपंकर नेम लिखे, एड्रेस लिखे, यापर आपंकर कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ भी आपंकर पर्सनल इनफॉरमेशन थी सब इनफॉरमेशन फिलअप करेंगे। यापर आपंकर जो योग्यता क्वालिफिकेशन थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन विषय मेंशन करेंगे। पिला माने देखते ये मेंशन अच्छी जहाँ भी आपने क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे तार फोटो कॉपी को आटाच करेंगे बा जेरॉक्स फॉर्मेट को आटाच करेंगे। पिला माने एबले आपरे फॉर्म टी को फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर देखूँ एड्रेस फेड्रेस सब लिखे, डेट सिग्नेचर भलाबरे फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर जहाँ भी आपंकर डॉक्यूमेंट मेंशन अच्छी सब डॉक्यूमेंट को एथिरे अटैच करेंगे। देखिपे मेंशन अच्छी। पिला माने टीचर पोस्ट पे किसी वैकेंसी रही देखिपे पीटी टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर जदि आपंकर योग्यता थी आप्लाय करेंगे। पिला माने फॉर्म टी को फिलअप कले। फिलअप कलापर देखो एटे आपको एक एड्रेस टी शो हो। ये एड्रेस आपको ये फॉर्म टी को स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट माध्यम से सेंड करने पड़ो 15-1-2024 पूर्व। पिला देखो जदि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने चाहते तो एठा देखो एक लिंक मिल जाए आपको। एठार क्लिक कर आपने ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म माध्यम से फॉर्म टी को सबमिट करेंगे। देखो तो मेंशन अच्छे ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म। ये फॉर्म टी को जितेबाला आपने क्लिक करेंगे एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो। तो सिंपली क्लिक करूँ ये जो फॉर्म अच्छी। पिला देखो ये क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर सिलेक्ट करेंगे। पिला जो लिंक अच्छे लिंक उपर क्लिक कर अप्लाई करेंगे। लिंक टी भल भाव ओपन होना तो आप डायरेक्ट फॉर्म टी को प्रिंट कर ही फिलअप करेंगे। यह संपूर्ण इनफॉरमेशन। जदि आपको किसी भी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।